तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खरीद होंगे, फिट फाट होंगे। तो हाजिर दोबारा नई वीडियो के साथ। तो पाकिस्तान टीम जो है वो आयरलैंड के लिए जो है वो फ्लाई कर चुकी है, और प्री मतलब आप समझ लें कि प्री वो डिपार्चर जो है वो बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कल। वहाँ पर जो है बहुत सारी बातें जो है उनसे पूछी गई, स्ट्राइक रेट के ऊपर, हसन अली के ऊपर, मोहम्मद आमिर के ऊपर, इसके अलावा ऐयूब के ऊपर बहुत सारी है वो बातें की गई। मोहम्मद हारिस के बारे में जो है उनसे पूछा गया। इसके अलावा बहुत बड़ी खबर ये है कि मोहम्मद आमिर जो है वो आयरलैंड का जो उनका वीज़ा है उसका जो है थोड़ा सा इशू आ गया, इस वजह से जो है उन्होंने टीम के साथ ट्रैवल नहीं किया। लेकिन अब पीसीबी की पूरी पूरी कोशिश है कि जो भी पहली दस्तयाब फ्लाइट होगी उसके थ्रू जो है वो मोहम्मद आमिर को एयरलाइन भिजवा दिया जाएगा, और किसी किस्म की जो है वो परेशानी की कोई खबर नहीं है। वो प्रैक्टिस सेशन में जो है वो भी हिस्सा लेंगे, और इसके अलावा मतलब पाकिस्तान टीम जो का जो पहला मैच है 10 मई को आयरलैंड के खिलाफ, उसमें भी जो है उनकी पूरी पूरी शिरकत मतलब मुमकिन है, या आप समझ लें कि अगर उनको टीम में खिलाया जाता है तो तब तक जो है वो पहुंच जाएंगे। इसके अलावा हसन अली बाबर आजम से हसन अली के सिलेक्शन के ऊपर पूछा गया, तो उनका कहना था हसन अली जो है वो अभी तक कंफर्म नहीं है, गोवा T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड जो है वो उसका हिस्सा होंगे नहीं। उनको जो है हारिस रऊफ की जो है वो बैकअप के तौर पर जो है टीम में रखा गया। इसके अलावा उनका कहना था हसन अली को जो है इस वजह से टीम में रखा क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अच्छी थी, और सीनियर बॉलर हैं, इस वजह से जो है उनके सीनियर मतलब उनके एक्सपीरियंस है, इस वजह से जो है उनको टीम के साथ जो है वो रखा गया है, और एज अ बैकअप जो है वो टीम के साथ गए हैं। इसके अलावा मोहम्मद आरिस के बारे में पूछा गया, तो उनका कहना था कि मोहम्मद आरिस को जो है वो PSL में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह से जो है उनको हम देख रहे थे, इस वजह से जो है उनको पाकिस्तान टीम में नहीं लिया गया। आगे चलकर जो है मोहम्मद आरिस को पूरा पूरा मौका मिलेगा अपना टीम में जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखाने का। इसके अलावा उनका कहना था कि मोहम्मद आरिस जो है टॉपर मिड ऑर्डर में खेलते हैं, और अभी तक हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो मजबूत है, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि फखर जमान, उस्मान खान, बाबर आजम, इसके अलावा साइम ऐयूब, इसके अलावा मोहम्मद रिजवान, ये 4-5-6 खिलाड़ी जो है वो टॉपर ऑर्डर में मौजूद है, इस वजह से जो है उनकी जगह नहीं बन रही थी, इस वजह से जो है उनको टीम में शामिल नहीं किया। इसके अलावा जो है उनसे पूछा गया कि आया पाकिस्तान का जो स्ट्राइक रेट है उसके ऊपर पूछा गया। उसके अलावा उनका कहना था कि हमारा जो स्ट्राइक रेट का इशू है वो इतना ज़्यादा इशू नहीं है, आस्ते आस्ते जो है वो हम इम्प्रूव कर रहे हैं, और उनका कहना था कि हमें जो है वो जब डे उस दिन की जो है वो परफॉर्मेंस उसके ऊपर जो है वो मुनासिब होता है, मतलब उस दिन हमारी परफॉर्मेंस कैसी है या हमारी जो आप समझ लें कि टाइमिंग या वो आप समझ लें कि जो भी सिलसिला होता है वो उस दिन जो है वो खिलाड़ी के अंदर लगी हुई है, तो इस वजह से जो है वो फिर मतलब पावर प्ले में हम अच्छे रन बना सकते हैं, और 200 के अलावा मतलब ऊपर भी जो है वो रन बन सकते हैं अगर खिलाड़ी की जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी लगी हुई हो, फॉर्म लगी हुई हो अच्छी। तो इसके अलावा उनका कहना था कि साइम ऐयूब को जो है वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मौके दिए, वो काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और अब जिस दिन ये नहीं कि वो हर मैच में चलें, जिस मैच में वो चलेंगे उस मैच में जो है वो आपको 70-80 रन जो है वो 35-30 गेंदों में जो है वो बनाकर दे देंगे, इस वजह से जो है उनको मुख्तलिफ मैच में जो है मौके दिए जा रहे हैं। इसके अलावा उस्मान खान से जो है उस्मान खान के बारे में जो है वो उनसे सवाल किया गया कि आपका जो फैसला है वो दुरुस्त है या नहीं, तो उसको इसके अलावा उनका कहना था कि मुझे जो है वो अपने फैसले के ऊपर कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने जो है अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला किया है, और मैं जो है वो अपनी गेम को जो है वो इम्प्रूव करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और इसके अलावा मैं पुल शॉट, कट शॉट और जो बाकी हुक शॉट है उनके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान इंग्लैंड और आयरलैंड की जो पिचेज़ हैं वो बाउंस हैं, इसके अलावा जो है वो वेस्ट इंडीज़ की जो पिचेज़ हैं वहाँ पर भी जो है वो मुझे मदद मिलेगी, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने जो है वो पाकिस्तान खेलने के लिए जो है वो UAE की जो है वो क्रिकेट को छोड़ा। तो ये आपकी सारी क्रिकेट की अपडेट्स थी, अगर अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।